अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलसिम फूड लैब। आज मैं जो रेसिपी आपको बताने वाली हूँ, ब्रेड केक पॉप्स, जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने मोर्डे के डार्क एंड मिल्क दोनों चॉकलेट लिए हैं कंपाउंड। 2 टेबलस्पून मैंने शुगर लिया है, कंडेंस मिल्क, ये लेफ्ट ओवर केक है, और यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जितने आपको बॉल्स बनाने हैं उस हिसाब से आप लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट सिरप। सबसे पहले हम ब्रेड को ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका क्रम रेडी करना है। ब्रेड और केक को हम साथ में ही ग्राइंड कर लेंगे। आप ये सिर्फ ब्रेड से भी बना सकते हो अगर आपके पास केक नहीं है तो। ये लेफ्ट ओवर केक है, आप वनीला स्पंज केक भी ले सकते हो। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, साथ में हम शुगर भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप बाद में ऐड कीजिए। मैं दानेदार यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए मैं ब्रेड के साथ में इसे ग्राइंड कर लूँगी। हमने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है, अच्छी तरह से इसका क्रम रेडी हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, अब हम इसमें चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और हम इसे डो की तरह बनाएंगे, इसे हम गूंद कर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें हम बटर भी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना मेल्टेड बटर है ये, और सॉल्टेड है ये। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्सचर को इस तरह से डो की शक्ल में गूंद लिया है। हम देखेंगे कि इसका बॉल बनता है कि नहीं। इस तरीके से हम इसे बॉल बनाकर देखेंगे, अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें चॉकलेट सॉस या चॉकलेट गनाश और डाल सकते हैं। हमारा डो रेडी है, अब हम इसका बॉल रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल रेडी कर लेंगे और इसे हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, जब तक हम अपनी चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं इसके ऊपर कोटिंग के लिए। यहाँ मैंने डार्क और मिल्क दोनों चॉकलेट लिया है, इसे मैंने डबल बॉयलर में मेल्ट किया हुआ है। इसे हम धीमी आंच पे डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे। सभी चीज़ें हमने यहाँ पर रेडी कर ली हैं, ये भी हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। इस पर मैंने टूथपिक लगाया है ताकि हमें इसे चॉकलेट से कोट करने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल्स लिए हैं, ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स है। यहाँ पर मैंने चॉकलेट मेल्ट किया है, और ये पेपर कप्स हैं, हम इसके ऊपर इसे रखेंगे ताकि वो चिपके नहीं। और यहाँ पर मैंने लिया है चोको चिप्स और कुछ कलरफुल वर्मसली है। अब हम एक बॉल लेंगे और उसे इस तरह से चॉकलेट में डिप करेंगे। पेपर कप्स पे मैंने वर्मसली शुगर वर्मसली डाली है कलर वाली। अब मैं इसके ऊपर ये बॉल को इस तरीके से हम सब रेडी कर लेंगे कोट करके। इसे हम बटर पेपर पे इस तरह से, हमारा ब्रेड चॉकलेट पॉप्स रेडी है। हमने इसे अच्छी तरह से डेकोरेट किया, हमने इसे इस तरह से भी विदाउट हमने स्टिक्स भी डेकोरेट किया है। आप इसे अपने मनपसंद तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा ब्रेड चॉकलेट पॉप्स रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।